हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर 2019 के पार्ट फोर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट थर्ड तक के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था, जो कि अक्टूबर 2018 से अगस्त 2019 तक के करंट अफेयर उसमें सम्मिलित थे। और ये पार्ट फोर है और ये पार्ट जो है 7 तक चलेगा और इसी में पूरे एक साल के जो भी MCQ हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपको नोटिफिकेशन पहुँचा और आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर आप लोगों ने पार्ट थर्ड तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 9 फरवरी 2019 को किस जगह पर कृषि कुंभ का आयोजन हुआ है? तो 9 फरवरी 2019 को जो है मोतिहारी जगह पर कृषि कुंभ का आयोजन हुआ है, मोतिहारी में। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंड सेव द आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पी चिदम्बरम इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, पद्म समूह महाविहार में 7 फरवरी 2019 को तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गुरु पद्म संभव की 19 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। यह महाविहार भारत में कहाँ स्थित है? तो यह महाविहार जो है भारत के जिरांग यानी कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, महिलाओं का वैश्विक विकास एवं समृद्धि पहल यानी कि वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्टरी इनिशिएटिव का शुभारंभ किसने किया है? तो वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्टरी इनिशिएटिव का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है व्हाइट हाउस ने। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की मर्रा के संधि में शामिल होने वाला अमेरिका 50वां देश बना। इस संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की मर्रा के संधि में शामिल होने वाला अमेरिका 50वां देश बन गया। इस संधि का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है नेत्रहीनों के लिए पुस्तक प्रकाशन से है। नेक्स्ट है, कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की सिद्धि समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की है, ये किस मूल के लोग हैं? तो सिद्धि समुदाय के लोग जो हैं ये किस मूल के लोग हैं? तो यह जो है अफ्रीका मूल के लोग हैं, सिद्धि समुदाय के लोग, जिसे अनुसूचित जनजाति की दर्जा की मांग की गई है कर्नाटक कार्यकर्ताओं के द्वारा, और यह जो है अफ्रीका के मूल लोग हैं। नेक्स्ट है, भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान किस भारतीय ने इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो भारतीय न्यूजीलैंड के बीच जो है दूसरे T20 मैच के दौरान जो है किस भारतीय ने इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस प्रारूप में, यानी कि टी ट्वेंटी के दूसरे मैच में बनाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दर्द आयन जनजाति ने अपनी संस्कृति के संरक्षण की मांग की है, यह समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो दर्द आयन जो है जनजाति, इन्होंने अपनी संस्कृति के संरक्षण की मांग किया है, यह समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो यह समुदाय पाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने बजट में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को विवाह के समय 1 तोला यानी कि 11.34 ग्राम सोना देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने अपने बजट में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लड़कियों को विवाह के समय 1 तोला यानी कि जो होता है 11.34 ग्राम होता है 1 तोला सोना देने की घोषणा किया है? तो 1 तोला देने की घोषणा किया है असम राज्य ने। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की नीला विखे पाटिल को किस देश के प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के नीला विखे पाटिल जो है इसको स्वीडन देश के प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिस्पॉन्ड कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? तो रिस्पॉन्ड कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस तिथि को उज्ज्वला उत्सव आयोजित किया गया है? तो उज्ज्वला उत्सव जो है यह आयोजित किया गया है 7 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार के लिए
किस राज्य ने बजट 2019-20 में कन्या सुमंगल योजना आरंभ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने यह घोषणा किया है अपने बजट में 19-20 के बजट में कि कन्या सुमंगल योजना आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2019 का किताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2019 का जो किताब है इसको जीत लिया है विदर्भ ने। 2018 का भी जो किताब था रणजी ट्रॉफी इसको भी जीता था विदर्भ ने ही। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि कर्ज को 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि कर्ज को 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर के 1,60,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 7 फरवरी 2019 को थाईलैंड में आयोजित EGAT कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोखोम मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है किस कार्यक्रम के तहत जो है PM जय मोबाइल ऐप 5 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है? तो PM जय मोबाइल ऐप जो है 5 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है किस कार्यक्रम के तहत? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत PM जय मोबाइल ऐप को 5 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2019 को दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत की गई, इस अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत किया गया 6 फरवरी 2019 को, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है स्वच्छ भारत मिशन से है। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2019 को किस देश के साथ जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग पर MOU को केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड देश के साथ जो है जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग पर MOU को केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 6 फरवरी 2019 को इसरो एवं किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जो है जापान के बीच जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को मंजूरी दिया है? तो केंद्र सरकार ने इसरो एवं इंडोनेशिया देश का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जापान इसके बीच जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस जगह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ स्थापना की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जलपाईगुड़ी जगह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ स्थापना की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है फाइटिंग फिश को किस देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? तो फाइटिंग फिश को जो है थाईलैंड देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत और जर्मनी ने जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1984 में कानपुर में सिख दंगों के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1984 में जो हुआ था कानपुर में सिख दंगा हुआ था उसकी जांच के लिए अतुल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया है नेक्स्ट है 4 फरवरी 2019 को पोप फ्रांसिसी ने किस देश की यात्रा की जो उस देश के किसी भी पोप की पहली यात्रा थी? तो संयुक्त अरब अमीरात। जो तो 4 फरवरी 2019 को जो है पोप फ्रांसिसी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा किया जो कि उस देश की किसी भी पोप की पहली यात्रा थी। नेक्स्ट है 11 यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने विपक्षी नेता जो है जुआन गुआइडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दिया है? तो 11 यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने विपक्षी नेता जो है जुआन गुआइडो को वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दिया है जुआन गुआइडो को। नेक्स्ट है सेनकाकू द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित है? तो सेनकाकू द्वीप जो है जापान और चीन देशों के बीच विवादित है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी 2019 को लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत जोत आकार यानी कि लैंड होल्डिंग सर्वाधिक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नेक्स्ट है नायब बुकेल जो है किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो नायब बुकेल जो हैं यह निर्वाचित हुए हैं अल सल्वाडोर देश के राष्ट्रपति के रूप में। अल सल्वाडोर देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नायब बुकेल। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार देश के कितने राज्यों के कितने जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जो है देश के 11 राज्यों के 90 जिले जो हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। 11 राज्य और 90 जिले जो है वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा भारत को जानो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा भारत को जानो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश के प्रिंस जो है एल्बर्ट द्वितीय 5 फरवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति के साथ मिले, तो एल्बर्ट द्वितीय जो है किस देश के प्रिंस हैं, तो ये है मोनाको देश के प्रिंस हैं एल्बर्ट द्वितीय जो भारत के राष्ट्रपति के साथ 5 फरवरी 2019 को मिले थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में निर्णय दिया था कि राज्य सरकार द्वारा CBI को दी गई सहमति वापस लेने के बाद भी लंबित मामले की जांच CBI करती रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजी लेनन पद दोर्जी बनाम CBI। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में निर्णय लिया था कि राज्य सरकार द्वारा CBI को दी गई सहमति वापस लेने के बाद भी लंबित मामले की जांच CBI करती रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजी लेनन पद दोर्जी बनाम CBI। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को आयोजित किया गया है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है किस तिथि को आयोजित किया गया, तो यह किया गया 4 फरवरी 2019 को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो विश्व कैंसर दिवस 2019 की जो थीम थी यह क्या था, I am and I will, ये विश्व कैंसर दिवस 2019 की थीम थी I am and I will। नेक्स्ट है व्यापार से आय हेतु पाकिस्तान ने किस देश को खच्चर निर्यात करने का निर्णय लिया है, तो व्यापार से आय हेतु पाकिस्तान ने खच्चर निर्यात करने का निर्णय लिया है किस देश को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश को खच्चर निर्यात करने का निर्णय लिया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस नियम के तहत महिलाओं को खानों में संध्या 7 बजे के पश्चात काम करने की अनुमति प्रदान की है, तो खान अधिनियम 1952 के तहत जो है महिलाओं को खानों में संध्या 7 बजे के पश्चात काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है देश का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अनिवार्य दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई यानी कि PMRU की स्थापना किया है, मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना किया है दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के मूल्य के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने लगाया है, यह पहला राज्य जो है केरल राज्य इन्होंने ही मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में कोंदिगामी पहाड़ी के निवासी जो हैं बॉक्साइट खनन रोकने की मांग कर रहे हैं, तो उड़ीसा राज्य में जो है कोंदिगामी पहाड़ी के निवासी जो हैं बॉक्साइट खनन रोकने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में शोध अध्ययन में सिद्ध दवा जो है नीला वेम्बू कुदनीर को किस बीमारी के इलाज के लिए उपयुक्त माना गया है, नीला वेम्बू कुदनीर को किस बीमारी के इलाज के लिए उपयुक्त माना गया है, तो नीला बेम्बू कुदनीर जो है इसको किस बीमारी के इलाज के लिए उपयुक्त माना गया है, तो यह माना गया है डेंगू एवं चिकनगुनिया जो बीमारी होता है इसके इलाज के लिए नीला बेम्बू कुदनीर को उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के हाजो स्थित पवित्र हायग्रीवा माधव मंदिर का संकटापन कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में जो स्थित है हाजो स्थित पवित्र हायग्रीवा माधव मंदिर का संकटापन जो है कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य होगा,
तो नाटो का जो 30वां सदस्य होगा कौन सा देश होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मैसेडोनिया जो है नाटो का 30वां देश होगा। नेक्स्ट है ऋषि कुमार शुक्ला जो 2 फरवरी 2019 को सीबीआई निर्देशक नियुक्त हुए हैं का चयन, इसका चयन जो है उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की गई, उसके सदस्य निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, तो उसके सदस्य निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे उच्च स्तरीय कमेटी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो थे सुमित्रा महाजन या शामिल नहीं थे जब ऋषि कुमार शुक्ला को 2 फरवरी 2019 को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था तब। नेक्स्ट है किस राज्य में सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित कर लिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने कांजली आर्द्रभूमि एवं पवित्र काली बिन नदी को वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ने कांजली आर्द्रभूमि एवं पवित्र काली बिन नदी को वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है रामसर अभिसमय को 1971 में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो रामसर किस देश में स्थित है, रामसर जो है किस देश में स्थित है, तो रामसर जो है ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व भारतीय रंग महोत्सव जो मनाया गया 1 फरवरी 2019 को किस जगह के कामनी ऑडिटोरियम में आरंभ हुआ है इसका, तो किस जगह के कामनी ऑडिटोरियम में इसका आरंभ हुआ भारतीय रंग महोत्सव का, तो यह आयोजन हुआ नई दिल्ली के कामनी ऑडिटोरियम में। विश्व भारतीय रंग महोत्सव का आयोजन हुआ 1 फरवरी 2019 को नई दिल्ली के कामनी ऑडिटोरियम में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है काला घोड़ा कला महोत्सव किस जगह पर 2 फरवरी 2019 को आरंभ हुआ है, तो काला घोड़ा महोत्सव जो है यह आयोजित हुआ है मुंबई में आयोजित हुआ 2 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान के तहत किसानों को कितने रुपए के वार्षिक आय सहायता देने की घोषणा की गई है, तो किसानों को जो है 6,000 रुपये वार्षिक आय सहायता देने की घोषणा किया गया है पीएम किसान योजना के तहत यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, यह घोषणा किया गया है अंतरिम बजट 2019-20 में। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कितने रुपए प्रति माह पेंशन योजना की घोषणा की गई है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है असंगठित जितने भी क्षेत्र हैं उसके कामगारों के लिए कितने रुपए प्रति माह पेंशन योजना की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,000 रुपये महीना प्रति माह पेंशन योजना की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2019 के जो थीम थी यह क्या था, आर्द्रभूमि एवं जलवायु परिवर्तन इसका थीम था विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2019 की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी पद से बर्खास्त कर दिया है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी पद से बर्खास्त कर दिया गया है, तो इन्हें बर्खास्त किया गया है न्यायमूर्ति बी एन कृष्णा आयोग के सिफारिश पर चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी के पद से बर्खास्त कर दिया गया है चंदा कोचर को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2019 किस वर्ष के रूप में मना रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2019 को जो मना रहा है यह मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय रसायन आवर्त सारणी वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है यूनेस्को निम्नलिखित में से किसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो यूनेस्को जो है रासायनिक आवर्त सारणी का 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्राकृतिक उत्पादों के लिए जैव विविधता टैग प्रणाली आरंभ की है, तो किस राज्य ने प्राकृतिक उत्पादकों के लिए जैव विविधता टैग प्रणाली आरंभ किया है, तो इसका आरंभ किया है गोवा राज्य ने जैव विविधता टैग प्रणाली का आरंभ किया है गोवा राज्य ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, यह एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा, तो विश्व का सबसे बड़ा
एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, इसको मंजूरी दे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह एक्सप्रेसवे जो है मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2019 मनाया गया? तो किस दिन जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2019 को मनाया गया? तो यह मनाया गया 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, वार्षिक पुलिकट झील दिवस जो है किस दिन मनाया गया? वार्षिक पुलिकट झील दिवस जो है किस दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में आरंभ की गई श्रेयस स्कीम क्या है? तो हाल ही में आरंभ किया गया था यह श्रेयस स्कीम, यह क्या है? तो श्रेयस स्कीम जो है यह एक शिक्षा के दौरान उद्यमिता प्रशिक्षक अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है श्रेयस स्कीम का। शिक्षा के दौरान उद्यमिता प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराना श्रेयस का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, युवा सलाहकार योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो युवा सलाहकार योजना जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया है युवा सलाहकार योजना एनसीडीसी के तहत आरंभ किया गया है। एनसीडीसी के तहत ये युवा सलाहकार योजना को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन की बीच जो है 27 फरवरी 2019 को किस द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई है? तो यह कौन सा द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ? ये डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता जो है जिम कॉन उनके बीच 27 फरवरी 2019 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हनोई यानी कि वियतनाम का द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, मोहम्मद बुहारी किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो मोहम्मद बुहारी जो है नाइजेरिया देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो गए हैं। नेक्स्ट है, 4G यानी कि LTI के लिए पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है? 4G या LTI के लिए पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी है सिग्नल चिप जो है पहली देश की पहली कंपनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस समुदाय की हैंड ब्लॉक मुद्रण को दर्शाने के लिए तिनन वाला म्यूज़ियम आरंभ किया गया है? किस समुदाय की हैंड ब्लॉक मुद्रण को दर्शाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपा समुदाय के हैंड ब्लॉक मुद्रण को दर्शाने के लिए तिनत वाला संग्रहालय का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, ब्राइट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ब्राइट पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी में दिया जाता है ब्राइट पुरस्कार को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विभाग द्वारा उन्नति मिशन का शुभारंभ किया गया? किस केंद्रीय विभाग द्वारा जो है उन्नति मिशन का शुभारंभ किया गया? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उन्नति मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किया गया इंडेप्सी मिशन का लक्ष्य क्या है? इंडेप्सी मिशन का लक्ष्य क्या है जिसे हाल ही में शुरू किया गया? तो इसका लक्ष्य है टीका विकास करना। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किया गया गर्व इनी मिशन का क्या उद्देश्य है? तो गर्व इनी मिशन का क्या उद्देश्य है? तो गर्व इनी मिशन का जो उद्देश्य है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना यही गर्व इनी मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोसा द्वीप समूह जिसमें डियागो गार्सिया भी शामिल है पर से ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर किस देश को सौंपने का सलाह दिया है? तो मॉरिशस देश को इसे सौंपने का सलाह दिया गया है। नेक्स्ट है, किस संकट की समाप्ति के लिए लीमा समूह का गठन किया गया है? तो किस संकट की समाप्ति के लिए लीमा समूह का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला संकट की समाप्ति के लिए लीमा समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, किस जगह पर 26 फरवरी 2019 को स्किल साथी यूथ कंक्लेव कहां आयोजित होगा? तो किस जगह पर 26 फरवरी 2019 को स्किल साथी यूथ कंक्लेव आरंभ होगा? तो यह आरंभ होगा भुवनेश्वर में 26 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, सेल आधारित मास्क के लिए
किस राज्य सरकार ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन सेलुलर एग्रीकल्चर की स्थापना के लिए अमेरिका की गुड फूड इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन सेलुलर एग्रीमेंट की स्थापना के लिए अमेरिका की गुड फूड इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस जगह पर 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति समर स्मारक यानी कि नेशनल वार मेमोरियल देश को समर्पित किया है? तो नेशनल वार मेमोरियल जो समर्पित किया गया है देश को, यह समर्पित किया गया है दिल्ली, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीन बुक को, ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट में सम्मानित फिल्म जो है पीरियड एंड ऑफ द सेंटर किस राज्य के काटी रेखा गांव पर आधारित है? किस राज्य के काटी रेखा गांव पर आधारित है पीरियड एंड ऑफ द सेंटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश में, इसी गांव के काठी खेरा गांव पर आधारित है यह पीरियड एंड द ऑफ द सेंटर, जो कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है और जिन्हें ऑस्कर मिला है 2019 के लिए। नेक्स्ट है, चौथा वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी सम्मेलन 2019 कहां आयोजित हुआ? तो चौथा वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी सम्मेलन 2019 का जो आयोजित हुआ, यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस उन्मूलन प्रोग्राम के तहत किस वर्ष तक देश के वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस उन्मूलन प्रोग्राम के तहत जो है किस वर्ष तक जो है देश के वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 वर्ष तक इसका लक्ष्य रखा गया है, वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। नेक्स्ट है, न्याम राजा फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? तो न्याम राजा फेस्टिवल जो है किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो न्याम राज फेस्टिवल जो है डोगियारा कोंद जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस जगह पर 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना की औपचारिक शुरुआत किया है? तो प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना का औपचारिक शुरुआत कर दिया है, यह किया है गोरखपुर में 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, ताहिर अयाला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ताहिर अयाला जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान के लिए ये नियुक्त हुए हैं ताहिर अयाला। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंस निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंस निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला जो हैं इनका नाम है जी सी अनुपमा इनका नाम है जो एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट निर्वाचित हुई हैं और यह पहली महिला निर्वाचित हुए हैं एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट है, हिप्पोकैम्प जिसे हाल ही में खोजा गया किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह है नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है हिप्पोकैम्प। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर से डायनासोर के विलुप्त होने से जुड़ा चिलुक स्लैब क्रेटर जो है किस देश में स्थित है? तो पृथ्वी पर से जो डायनासोर का विलुप्त होने का जो कारण जुड़ा हुआ है चिलुक स्लैब क्रेटर, यह मैक्सिको देश से में स्थित है, मैक्सिको देश में स्थित है यह। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने निशानेबाजी की किस प्रतिस्पर्धा में पहला पदक जीता है? तो ISSF विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने निशानेबाजी की स्पर्धा में पहला पदक जीता किस प्रतिस्पर्धा में? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने पहला पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है, इस हेल्पलाइन नंबर का डिजिट क्या है? तो 1950 जो है चुनाव आयोग के मतदाता, तो 1950 जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
चुनाव आयोग के मतदाता पंजीकरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मधुमक्खी वेलस विशाल मधुमक्खी वेलस ग्रैंट बी 40 वर्षों के पश्चात फिर से किस देश में खोजी गई है। तो फिर से यह जो है इंडोनेशिया देश में खोजी गई है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने फरवरी 2019 में किस देश में एक साल की आपात की घोषणा जारी किया है। उमर अल बशीर जो हैं उमर अल बशीर यह सूडान देश के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक साल की आपदा की घोषणा किया है। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन है। तो दक्षिणी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाला जो पहली एशियाई टीम है यह कौन टीम है। तो यह टीम श्रीलंका की टीम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने एरोब्रिक्स 150 का प्रस्ताव किया है। तो किस संगठन ने एरोब्रिक्स 150 का प्रस्ताव किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एरोब्रिक्स 150 का प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है श्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह किस राज्य का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो न्यायमूर्ति जो उमानाथ सिंह हैं वह किस राज्य का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नियुक्त किया गया है नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है उमानाथ सिंह को। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने किस राज्य में 22 फरवरी 2019 को समन्वती व्यापक इरी फार्मिंग की शुरुआत की है। समन्वित व्यापक इरी फार्मिंग की शुरुआत किया है किस राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में इरी फार्मिंग की शुरुआत किया है। इरी फार्मिंग का शुरुआत किया है अरुणाचल प्रदेश में श्रीमती स्मृति ईरानी ने 22 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल संधि 1960 के तहत किन तीन नदियों के जल के पूरी तरह इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया है। तो सिंधु नदी जल संधि 1960 के तहत जो है किन तीन नदियों के जल के पूरी तरह इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास सतलज और रावी नदी का इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को दिया गया है या पूरी तरह से अधिकार दिया गया है 1960 संधि के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा नियुक्त BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेटर कंट्रोल इन इंडिया का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति DK जैन को नियुक्त किया गया है बोर्ड ऑफ क्रिकेटर कंट्रोल इन इंडिया का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेगर थाई नेबर पॉलिसी जो हाल ही में खबरों में रही क्या होती है। तो बेगर थाई नेबर पॉलिसी जो है किसी भी देश द्वारा अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना यही होता है। बेगर थाई नेबर पॉलिसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट है 100 वर्ष पहले विलुप्त हो गई कछुआ की कौन सी प्रजाति फिर से प्राप्त हुई है। तो 100 वर्ष जो पहले विलुप्त हो गई थी कछुआ की प्रजाति कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्नांडिना विशाल कछुआ जो है इसकी प्रजाति जो थी विलुप्त हो गई थी 100 वर्ष पहले इसकी को फिर से पाया गया है। नेक्स्ट है नामवर सिंह जिनका हाल ही में देहांत हो गया निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं। तो नामवर सिंह जो है जिनका हाल ही में देहांत हो गया किस पुस्तक के लेखक नहीं है ये चारों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य और वेदना का विकास जो है इसके लेखक ये नहीं है नामवर सिंह यानी कि दूसरी परंपरा की खोज इन्होंने ही किया है नामवर सिंह ने। कविता के नए प्रतिमान इसको भी खोजा है नामवर सिंह ने और छायावाद का भी जो पुस्तक के लेखक है ये नामवर सिंह ही हैं। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही असील निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। तो असील जो है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। तो असील जो है मुर्गी की प्रजाति है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी 2019 को दक्षिण कोरिया के किस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। 21 फरवरी 2019 को दक्षिण कोरिया के किस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योनसेई विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एरो इंडिया 2019 प्रदर्शनी के दौरान
एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का अनावरण किया है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का अनावरण किया, तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का अनावरण किया किस कंपनी ने एरो इंडिया 2019 प्रदर्शनी के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कंपनी है इन्होंने ही एरो इंडिया 2019 के प्रदर्शनी में एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को किस वर्ष के भारतीय स्टाम्प एक्ट में संशोधन की मंजूरी दिया है? भारतीय स्टाम्प एक्ट में संशोधन की मंजूरी दिया है राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को किस वर्ष के लिए? तो किस वर्ष के भारतीय स्टाम्प एक्ट में संशोधन की मंजूरी दिया है? तो यह एक्ट जो था 1899 का एक्ट था जिसमें संशोधन का मंजूरी दे दिया है राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2019 किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2019 को जो मनाया गया, यह मनाया गया 21 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 2019 का, यह 21 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने विशेष अंतरिक्ष बल के गठित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? विशेष अंतरिक्ष बल के गठित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ये विशेष अंतरिक्ष बल के गठित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।